से एक टोन ऊपर आता है। तो अभी तक मुझे लग रहा था कि रुचिता भूत है, मैं इतने दिनों से उससे डर रही थी, पर वो मुझे क्यों डरा रही थी वो आज पता चलेगा। और वो सच में बच गई है, वो कैसे बची है मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन शायद पब्लिक को पता होगा वो कैसे बची है। वो इतने दिन से मुझे भूत बन के डरा रही है, और वो क्या साबित करना चाहती है, वो मेरे मुँह से सच्चाई निकलवाना चाहती है, वो सब हम आज के एपिसोड में बताएंगे। आप अपने प्लान में सक्सेस कैसे नहीं हो पाए, फिर कैसे हो गए? शायद डर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इंसान से कुछ भी करवा देता है, तो उसी डर के चक्कर में शायद मैं वो सब बोल दूंगी या बोल दिया है मैंने कि मैंने क्या क्या किया है। मैंने निहार को पाने के लिए जो भी किया, रुचिता को मारा, दादी को धक्का दिया, जो भी किया वो सब शायद मैं डर के मारे बोल दूंगी। तो अब आगे क्या होगा वो आप आगे के एपिसोड में देखिए। हाँ, क्योंकि जब मेरी शादी रुचिता से होने जाती है तो वो मुझे ही कुछ तो ऐसा होता है जिसमें हम बदल जाते हैं और रुचिता मंडप पे आ जाती है और मैं उसके अवतार में आती हूँ। अब इस शादी के सीक्वेंस में कितना ड्रामा देखने को मिलेगा, कितना एक्साइटमेंट? बहुत ड्रामा है एंड आई एम श्योर सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे कि बिकॉज अभी तक हमने नहीं बताया है कि रुचिता है घूंघट के अंदर, तो जब ये रिवील होगा तो एवरीवन विल बी वेरी शॉक्ड कि रुचिता कहाँ से आई, तो अमृता थी, और अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप लोग भी देखते रहिए मन सुंदर रात 8:30 ओनली ऑन दंगल। मैम, रुचिता की जगह पर अगर आपके जगह पर रुचिता होता तो कैसा लगता? सबका अपना अपना कैरेक्टर है। अभी मैं अमृता से इतनी वो हो गई हूँ कि मतलब अमृता कर करके ऑफकोर्स आई एम मुझे पता है कि बींग एन आयुषी मुझे पता है कि अमृता जो भी कर रही है वो गलत है, लेकिन अब ये कैरेक्टर है अमृता ऐसी ही है, वो अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि वो निहार को पाके रहेगी, तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, तो अब उसके लिए वो कुछ भी करेगी। सवाल ये उठता है कि अगर ये सब बोल खुल जाएगा तो आपको किरदार क्या रहेगा? मेरा किरदार क्या रहेगा वो मुझे खुद भी नहीं पता अभी, क्योंकि हम कुछ डिसाइड हुआ नहीं है। तो अब आगे मैं इस घर में रहूँगी, मैं इस घर में नहीं रहूँगी, क्या है वो आगे के एपिसोड में ही बता। रुचिता को लेकर के अमृता को जरूर जलन होती है, लेकिन आयुषी को श्रुति से जलन नहीं होती है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अमृता को पसंद किया है तो और करिए, बिकॉज ये कैरेक्टर मैं पहली बार नेगेटिव कर रही हूँ, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है। तो आप सबने जो भी प्यार दिया या जो भी पसंद किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आगे मेरा यहाँ रहेगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहता है तो आगे जहाँ भी मैं आपको नजर आऊँ आप बस मुझे ऐसे ही प्यार देते। थैंक यू सो मच।